करीमनगर टाउन मुकरमपुरा बावन डिवीजन में मुस्लिम अखिलती अवाम की जानिब से रमजान के रोजे के मौके पर न्यू जयपाल रेड्डी एम मैत्री चेयरमैन के दफ्तर में इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। इफ्तार डिनर में मजहबी कायदीन मौलाना अलीमुद्दीन निजामी और चैनल के MD सरोजन कुमार आरिफ जाबरी भी मौजूद थे। पवित्र रमजान मासम पुरस्कार मुस्लिम मित्र जयपाल रेड्डी गारु इफ्तार विंदु एर्पाटु जरिगिंदि। इंदुलो जयपाल अन्न प्रिय मित्रुडु आजिब भाई मरियु इतर मित्रुल गुरिंचि 52वा डिविजन मुस्लिम मित्रुलंदरिकि इफ्तार विंदु एर्पाटु जरिगिंदि। इफ्तार विंदु मत सामरस्यानिकि प्रतीकगा निलुस्तुंदनि नेनु भाविस्तुन्नानु। ఈ ఇఫ్తార్ విందును విజయవంతం చేసిన ఆరిఫ్ భాయ్కి మరియు ఈ 52వ డివిజన్ ముస్లిం మిత్రులందరికీ షోయబ్ గారికి అందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాను। మే ఆర్ ఆజ్ రమదాన్ ముబారక్ కే జైసే ముబారక్ మహీనే మే బర్కత్ వాలే మహీనే మే ముకరంపురా కరీంనగర్ మే ఏక్ అజీము షాన్ పైమానే పర్ దావత్ ఇఫ్తార్ కా ఇహ్తిమామ్ కియా గయా ఔర్ యే దావత్ ఇఫ్తార్ मोहम्मद शोएब और उनके साथियों की जानिब से यह दावत इफ्तार मुनाकिद हुआ और आरिफ साहब और भी हजरात की जानिब से यह दावत इफ्तार मुनाकिद हुआ। बहुत सारे लोग आज दावत इफ्तार में मुकरमपुरे में शरीक हुए और तमाम का भी इस्तकबाल करते हैं और ख़ास तौर पर हमारे दावत इफ्तार के मेहमान खुसूसी जयपाल रेड्डी साहब ना आ सके, उनके बजाय उनके भाई सुजन कुमार साहब यहाँ तशरीफ़ लाए और इनके साथ कई हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इसमें शरीक हुए और अल्हम्दुलिल्लाह गोया के जो हमारी तहजीब है हमारे मुल्क की एक अजीम तहजीब है। कौन सी तहजीब? गंगा जमनी तहजीब। वो मंज़र यहाँ नज़र आ रहा था। दावत इफ्तार में एक दूसरे से बहरहाल मोहब्बतों भरा पैगाम दे रहे थे और हम यही चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इसी तरह अमन व सलामती का पैगाम पहुँचे, भाईचारगी का पैगाम पहुँचे, एक दूसरे का ख्याल करने वाला पैगाम पहुँचे, जभी यह मुल्क हमारा तरक्की कर सकता है। लेकिन बाज़ फ़िरक़ा परस्त ताकतें बहरहाल हमारे यानी हमारे मुल्क में बहरहाल फ़िरक़ा वारा फसादात और बहरहाल ऐसा करना चाह रहे हैं, लिहाजा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मुल्क भाईचारगी का मुल्क है, अमन व सलामती का मुल्क है। और इसी तरह रमज़ान का महीना भी हमें यही पैगाम देता है, सब मिलजुल कर रहें, मोहब्बत से रहें, अमन व सलामती के साथ रहें। और हमारा दीन भी हमको यही पैगाम देता है, हमारे रसूल भी हमको यही पैगाम देते हैं कि हम मोहब्बतों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल करें, पड़ोसियों का हुकूक जानें, एक दूसरे का ख्याल करें। और इस मौके पर मैं तमाम ही भाइयों का इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि बताया गया, हमारे शोएब मियां बता रहे थे कि जयपाल रेड्डी साहब और उनके तमाम हमनवा कौम की खिदमत के लिए बहुत आगे आते हैं, बहुत आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो ऐसे लीडरों का मैं इस्तकबाल करता हूं और मैं इनके लिए तरक्कियों की दुआ करता हूं। मैं मौलाना ख्वाजा अलीमुद्दीन निज़ामी नाज़िम आला मदरसे अनवार उलूम करीमनगर। ठीक है, शुक्रिया।